वहीं तेजस्वी यादव के मधुबनी हत्याकांड के पीड़ितों से मुलाकात पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के लगातार हो रहे हमले के बाद सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष का हिसाब रखना मुश्किल है, वे कब दिल्ली जाएंगे और कब मधुबनी ये कोई नहीं जानता। वहीं बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर बनी हुई है। मधुबनी नरसंहार कांड पर उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। और वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते खतरे के सवाल पर कहा कि सीएम और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कोरोना जिस प्रकार से दूसरे चरण में पूरे देश को घेरा है और उसमें लगता है कि बिहार भी अछूता नहीं है, हमारी सरकार बिहार के लोगों के लिए काम करती है और हम सब ने एक बेहतर प्रदर्शन कोरोना से बिहार के लोगों को बचाने के लिए किया। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे जो कर्मी हैं जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में उसका सामना किया, नेता प्रतिपक्ष हैं वो अब उनका हिसाब रखना बहुत मुश्किल है, वो कब दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से कब वो मधुबनी आते हैं, फिर मधुबनी के बाद फिर वो कहाँ जाएंगे।